नमस्कार भाइयों, आज हम आपको जबलपुर जिले का एक सिद्ध स्थान नाहन देवी, जो कि हिरण नदी के किनारे पे बसा हुआ है, पाटन तहसील के अंतर्गत आता है। जबलपुर कटंगी मार्ग से यह जो स्थान है लगभग 8 किलोमीटर अंदर है और खूब प्रसिद्ध स्थान है। आज यह सब स्थान का आप सबको दर्शन कराएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संतोष गोडबोले, जबलपुर। आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल जबलपुर का यूट्यूब चैनल, इस पर जबलपुर दर्शन और जबलपुर के दिव्य स्थान, इस विषय को लेकर के हम लोग एक मालिका बनाने वाले हैं। और इस मालिका का आज जो प्रथम दिन है, इस प्रथम दिन पे हम लोग पाटन तहसील के अंतर्गत ककरहटा स्थान पर आए हुए हैं, जहाँ पर नाहन देवी इनका दिव्य स्थान है। और यह स्थान हिरण नदी जो है, हिरण नदी पे स्थित है। आप सभी जानते हैं कि हिरण नदी है नर्मदा माई की सहायक नदी है। आई इस स्थान पे आने के लिए अपने को मझोली रोड से लगभग 8 किलोमीटर अंदर, जहां माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है, ऐसी मान्यता है। एक मान्यता और भी है कि यहाँ माता जो है अपने 7 बहनें और 1 भाई, इनके साथ में यहाँ निवास करती है। यह सिद्ध स्थान पर जो भी मान्यताएं मांगी जाती है यह पूर्ण होती है, इस प्रकार का यह स्थान है। इस स्थान पर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पे एक भव्य मेले का भी आयोजन होता है, जो 14 जनवरी से प्रारंभ होकर के पूरे 9 दिन चलता है, जिसमें आजू बाजू के सभी गांवों के श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से और इस स्थान पर आते हैं। आप सभी को विदित होगा कि कटंगी, मझोली, सिंगोरगढ़, यह जो क्षेत्र है, यह कलचुरी काल से बहुत अधिक प्रसिद्ध स्थान रहा है। और ऐसे स्थान पर इस मान्यता प्राप्त देवी के आज हम आप सबको दर्शन करा रहे हैं। और यह दिव्य स्थान निश्चित ही रूप में आप लोगों को दिखाने का मकसद भी है कि जबलपुर ज़िले में इतने सुंदर स्थान है, जहां अपन दर्शन के लिए भी आ सकते हैं, पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं, एवं आकर के बहुत शांतिपूर्ण बैठ भी सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इतनी सुंदर शिला के ऊपर प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा, इतना सुंदर आज ये वृक्ष लगा हुआ है,
जो कि पहाड़ी के बीच से निकला हुआ है। इसी प्रकार से माथापूर्ण एक पहाड़ के ऊपर विराजमान है और नदी भी बहुत सुंदर है। यह जो नाहन देवी का स्थान है, इस स्थान को निश्चित ही जबलपुर के नेतृत्व ने और प्रशासन ने बहुत अच्छे ढंग से इसका विकास करना चाहिए, इसको विकसित करना चाहिए ताकि लोगों को इसका लाभ हो सके। यहाँ बहुत अच्छी तरीके से पर्यावरण का भी विकास हो सकता है और पर्यटकों का भी आगमन यहाँ बढ़ सकता है। इस प्रकार का यह स्थान है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.